యిర్మీయాహ భవిష్యవక్తకి పుస్తక్ అధ్యాయ 48 యిర్మీయాహ భవిష్యవక్తకి పుస్తక్ అధ్యాయ 48 మోవాబ్ కి విషయ ఇస్రాయల్ కా పరమేశ్వర్ సేనాఓ కా యెహోవా యో కహతా హై నబూ పర్ హాయ్ క్యోకి వహ నాశ్ హో గయా కిర్యతయిమ్ కి ఆశా టూట్ గయీ వహ లే లియా గయా హై ఊచ్ గఢ్ నిరాశ్ ఔర్ విస్మిత్ హో గయా హై మోవాబ్ కి ప్రశంసా జాతీ రహీ हेशपोन में उसकी हानि की कल्पना की गई है। आओ हम उसको ऐसा नाश करें कि वह राज्य न रह जाए। हे मदमेन, तू भी सुनसान हो जा, तलवार तेरे पीछे पड़ेगी। होरोनेम में चिल्लाहट का शब्द सुनो, नाश और बड़े दुख का शब्द सुनाई देता है। मोआब का सत्यानाश हो रहा है, उसके नन्हे बच्चों की चिल्लाहट सुन पड़ी, क्योंकि लोहित की चढ़ाई में लोग लगातार रोते हुए चढ़ेंगे और होरोनेम की उतार में नाश की चिल्लाहट का संकट हुआ है। भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उस अधमुए पेड़ के समान हो जाओ जो जंगल में होता है, क्योंकि तू जो अपने कामों और संपत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण तू भी पकड़ा जाएगा और कमोश देवता भी अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। यहोवा के वचन के अनुसार नाश करने वाले तुम्हारे हरेक नगर पर चढ़ाई करेंगे और कोई नगर न बचेगा। निचान वाले और पहाड़ पर की चौरस भूमि वाले दोनों नाश किए जाएंगे। मुआब के पंख लगा दो ताकि वह उड़कर दूर हो जाए, क्योंकि उसके नगर ऐसे उजाड़ हो जाएंगे कि उनमें कोई भी न बसने पाएगा। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। मोआब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है, वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और न बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध जो कित्यो बनी रहती है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसके उंडेलने के लिए भेजूंगा और वे उसको उंडेलेंगे, और जिन घड़ों में वह रखा हुआ है उनको छूछे करके फूट डालेंगे। तब जैसे इज़राइल के घराने को बेतेल से लज्जित होना पड़ा जिस पर वे भरोसा रखते थे, वैसे ही मोआबी लोग कमोश से लज्जित होंगे। तुम कैसे कह सकते हो कि हम वीर और पराक्रमी योद्धा है? मोआब तो नाश हुआ, उसके नगर भस्म हो गए और उसके चुने हुए जवान घात होने को उतर गए। राजाधिराज जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी यही वाणी है, मोआब की विपत्ति निकट आ गई और उसके संकट में पड़ने का दिन बहुत ही वेग से आता है। उसके आसपास के सब रहने वालों और उसकी कीर्ति के सब जानने वालों, उसके लिए विलाप करो, कहो हाय, वह मजबूत सोटा और सुंदर छड़ी कैसे टूट गई। हे दिबोन की रहने वाली, तू अपना विभव छोड़कर प्यासी बैठी रह, क्योंकि मोआब के नाश करने वाले ने तुझ पर चढ़ाई करके तेरे दृढ़ गढ़ों को नाश किया है। अरोएर की रहने वाली, तू मार्ग में खड़ी होकर ताकती रह, जो भागता है उससे और जो बच निकलती है उससे पूछ कि क्या हुआ है। मोआब की आशा टूटेगी, वह विस्मित हो गया। तुम हाय हाय करो और चिल्लाओ, अरनोन में भी यह बताओ कि मोआब नाश हुआ है। चौरस भूमि के देश में होलोन, यहसा, मेपात, दिबोन, नबो, बेत दिबलातैम और किरियातैम, बेत मकालूम, बेतमोन और किरियोत, बोस्त्रा और क्या दूर क्या निकट, मोआब देश के सारे नगरों में दंड की आज्ञा पूरी हुई है। यहोवा की यह वाणी है, मोआब का सिंह कट गया और भुजा टूट गई है, उसको मतवाला करो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध
पढ़ाई मारी है, इसलिए मोआब अपनी छांट में लौटेगा और ठट्टों में उड़ाया जाएगा। क्या तूने भी इसराइल को ठट्टों में नहीं उड़ाया? क्या वह चोरों के बीच पकड़ा गया था कि जब तू उसकी चर्चा करता तब तू सिर हिलाता था? हे मोआब के रहने वालों, अपने अपने नगर को छोड़कर ढांग की दरार में बसो, उस पंडुकी के समान हो जो गुफा के मुंह की एक और घोंसला बनाती हो। हमने मोआब के गर्व के विषय में सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी है, उसका गर्व, अभिमान और अहंकार और उसका मन फूलना प्रसिद्ध है। यहोवा की यह वाणी है, मैं उसके रोप उसको भी जानता हूं कि वह व्यर्थ ही है, उसके बड़े बोल से कुछ बनना पड़ा। इस कारण मैं मोआबियों के लिए हाय हाय करूंगा, हां मैं सारे मोआबियों के लिए चिल्लाऊंगा, किर्रेरेस के लोगों के लिए विलाप किया जाएगा। हे सिबमा की दाखलता, मैं तुम्हारे लिए याजिर से भी अधिक विलाप करूंगा। तेरी डालिया तो ताल के पार बढ़ गई, बरन याजिर के तार तक भी पहुंचती, पर नाश करने वाला तेरे धूपकाल के फलों पर और तोड़ी हुई दाखों पर भी टूट पड़ा है। फल वाली बारियों से और मोआब के देश से आनंद और मगन होना उठ गया है। मैंने ऐसा किया कि दाखरस के कुंडों में कुछ दाख मधु न रहा, लोग फिर ललकारते हुए दाख न रौंदते। जो ललकार होने वाली है वह अब नहीं होगी। हिशपुन की चिल्लाहट सुनकर लोग एलाले और यहस तक और सोवार से होरोनैम और एगलत शलीशिया तक भी चिल्लाते हुए भागे चले गए हैं, क्योंकि निम्रिम का जल भी सूख गया है। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं ऊंचे स्थान पर चढ़ावा चढ़ाना और देवताओं के लिए धूप जलाना दोनों को मोआब में बंद कर दूंगा। इस कारण मेरा मन मोआब और किर्रेरेस के लोगों के लिए बांसुरी सा रो रो कर आलापता है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कमाकर बचाया है वह नाश हो गया है, क्योंकि सबके सिर मुंडे गए और सबकी दाढ़ियां नोची गई, सबके हाथ चीरे हुए और सबकी कमरों में टाट बंधा हुआ है। मोआब के सब घरों की छतों पर और सब चौकों में रोना पीटना हो रहा है, क्योंकि मैंने मोआब को तुच्छ बर्तन की नाई तोड़ डाला है। यहोवा की यह वाणी है। मोआब कैसे विस्मित हो गया, हाय हाय करो, क्योंकि उसने कैसे लज्जित होकर पीठ फेरी है। इस प्रकार मोआब के चारों ओर के सब रहने वाले उसका ठट्टा करेंगे और विस्मित हो जाएंगे, क्योंकि यहोवा यो कहता है, देखो वह उकाब सा उड़ेगा और मोआब के ऊपर अपने पंख फैलाएगा। करियोत ले लिया गया और गढ़वाले नगर दूसरों के वश में पड़ गए। उस दिन मोआबी वीरों के मन जच्चा स्त्री के से हो जाएंगे और मोआब ऐसा तितर बितर हो जाएगा कि उसका दल टूट जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बढ़ाई मारी है। यहोवा की यह वाणी है कि हे मोआब के रहने वाले, तेरे लिए भय और गड्ढा और फंदे ठहर गए हैं। जो कोई भय से आगे वह गड्ढे से में गिरने और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा, क्योंकि मैं मोआब के दंड का दिन उस पर ले आऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। जो भागे हुए हैं वह हेशबोन में शरण लेकर खड़े हो गए, परंतु हेशबोन से आग और सिहोन के बीच से लव निकली, जिससे मोआब देश के कोने और बलवैयों के चोंडे भस्म हो गए हैं। हे मोआब तुझ पर हाय, कमोश की प्रजा नाश हो गई, क्योंकि तेरी स्त्री पुरुष दोनों बंधुआई में गए हैं। तो भी यहोवा की यह वाणी है कि अंत के दिनों में मैं मोआब को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। मोआब के दंड का वचन यही तक हुआ है।